अहमद बिलाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कौमी असेंबली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये तरमीम बहुत ही अहम है पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में। जी अभी तो मुकम्मल तौर पर मंजूर तो नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि सेनेट से भी मंजूर हो जाएगी। जी जी तो फिर अगर सदर मुमलकत इस पर साइन कर देंगे तो पाकिस्तान के कानून की हैसियत से शुमार होगी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है कि इस तरमीम के अंदर कोई नया कानून नहीं लाया गया, किसी कानून को तब्दील नहीं किया गया, बल्कि मौजूदा कवानीन को ही कहा गया है कि ये कवानीन जो है इस पे अमल करना चाहिए। और दूसरी बात ये कही गई है कि अदालती फैसले इन कवानीन को तब्दील नहीं कर सकेंगे, यानी इनको फौकियत हासिल होगी। तो ये दोनों बातें तो पहले भी अंडरस्टूड होनी चाहिए थी, लेकिन जरूरत महसूस की गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में कि इस बात को रिइट्रेट किया जाए। तो दूसरी अहम बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्यूट्रलाइज करता है ये तरमीम। तो ये भी पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में एक बहुत अहम बात होगी कि इसके नतीजे में क्या सुप्रीम कोर्ट इसे कबूल कर लेगी या इसके इसको कंटेस्ट करेगी, और फिर आखिर में देखना ये होगा कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू को फौकियत हासिल होगी। अहमद बिलाल साहब, एक सवाल और, कि बतौर प्राइवेट मेंबर ये बिल पेश किया गया है, तो सर क्या इतना अहम नौयत का बिल हुकूमती जमात की तरफ से नहीं आना चाहिए था? ये बतौर प्राइवेट मेंबर ही क्यों पेश किया गया, आप क्या समझते हैं, कोई हिकमत है अमली? हिकमत अमली का ही मामला लगता है, लेकिन उससे कोई फर्क वाकई नहीं होता। अगर असम्बली किसी प्राइवेट मेंबर का बिल पास कर दे तो भी उतना ही अहम और उतना ही वैलिड होता है जितना हुकूमत की तरफ से मूव किया गया बिल। गालिबन वो आपके शायद एलाइज के साथ मशवरा करना या इस तरह की कोई चीज़ें करना शायद ज़रूरी होता उस सूरत में, अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से मूव होता या कोई और भी मसलियत हो सकती है, लेकिन बहरहाल एंड रिजल्ट पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड रिजल्ट पर। माहिर कानून अहमद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।